डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। हत्या के प्रयास के आरोपी को जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने खुद की ही कनपट्टी पर यह कहते हुए तमंचा तान लिया कि यदि आगे बढ़े तो खुद को गोली मार लेगा। हालात वे इस तरह के कि चेतावनी से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आरोपी बंटी नामक पुलिसकर्मी को बुलाने की मांग पर अड़ा हुआ था। 10 मिनट बाद बंटी को बुलाया गया तो दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। तभी मौका पाकर पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया। उसके पास से 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम राशिद है और वह मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के करम अली का रहने वाला है। पहले देखिए राशिद का पूरा ड्रामा। मैं बदर भाई की बात मानो, मेरा बड़ा भाई आया। देखो इनकी बात मानो, पहले मेरी सुन लो। मैं 3 तक अपने गोली मार लूंगा। एक इस बारे में SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने firstbite.tv को यह जानकारी दी। देखिए, ये थाना देहली गेट में कल शाम को एक मुकदमा लिखा गया था 13/24, जिसमें धारा 307 इसमें आपका 323 5/4/5/6 में लिखा गया था। इस संबंध में जो थाना देहली गेट पुलिस थी वह कोतवाली क्षेत्र में एक बनिया पहाड़ जगह है, वहाँ पे एक दबिश पे गई थी इसमें राशिद नाम के व्यक्ति को पकड़ने के लिए। जैसे ही वहाँ पे पुलिस गई है, पुलिस को देखते ही इसने अपने इसके पास 2 तमंचे थे, इसने अपने सिर पे तान लिए और अपने आप को जान से मारने की कोशिश की, जिसमें धारा 307 3/25 जो पुराने मुकदमे इसमें दर्ज है, इसमें फिर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। जैसा मैंने बताया कि इसको बातों में उलझाया गया था, थाना जो अपने दोनों थाने की पुलिस, कोतवाली पुलिस और जो हमारे थाने देहली गेट की पुलिस थी, दोनों ही SHO मौके पर मौजूद थे। लगातार इससे बातचीत की जा रही थी। जैसे इसको बातों में उलझाया गया, पीछे से जाकर हमारे कुछ लड़कों ने उसको पकड़ा है। फिर इसमें दोनों ही थाने इंचार्ज जो थे उसमें बहुत ही अच्छा इन्होंने मतलब काम किया है, ताकि इसमें कोई अनहोनी होने से बच गई है जी। इसके पास से 2 तमंचे, एक जिंदा कारतूस बरामद हुई, एक इसने बुलेट फायर की थी, उसके खोखे की हम तलाश कर रहे हैं। सर, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।